लोगे क्या? साढ़ू साहब आप अरे ऐसे सड़क के बीचों बीच भटकती आत्मा की तरह। कुछ नहीं साढ़ू साहब, बस ऐसे ही। अरे आप हॉर्न मार देते। अरे हॉर्न कितनी बार तो हॉर्न मारा, अब मैं क्या निकाल के मार देता? बड़े डिप्रेस टाइप लग रहे हो भाई। मटका प्रश्न है। अरे नहीं वो बात नहीं है साढ़ू साहब। साढ़ू साहब अगर पत्नी ढंकी ना मिले ना तो जिंदगी बिना तेल के तला हुआ पकौड़ा हो जाती है। क्या क्या हुआ क्या है भाई, बताओ तो सही। अरे कितने महंगे महंगे गिफ्ट मांगती रहती है हमेशा। अब आप बताइए कि आपसे कभी बॉबी ने कोई फालतू गिफ्ट मांगा है कभी? नहीं, कभी नहीं। अरे वो तो देवी है, देवी। And you know, today is her birthday. अरे वाह, फिर तो पकौड़े बनते हैं भाई। अरे भाई मैं आपको फोन करने ही वाला था, अच्छा हुआ रास्ते में मिल गए। पकौड़े नहीं खिला सकते। अरे भाई शाम को बेबी को लेकर आ जाना, रात को डिनर करने बाहर चलेंगे। अच्छा, अरे वाह भाई वाह। सारू साहब ये बताइए कि बॉबी ने आपसे गिफ्ट में क्या मांगा? जरूर कोई सस्ता सुंदर टिकाऊ गिफ्ट मांगा होगा ना? बॉबी ने हमसे सिर्फ इतना मांगा है कि शाम तक मैं उसकी तारीफ में 10 लाइनें लिख कर दूं, दैट्स ऑल। क्या है ना सस्ता सुंदर टिकाऊ? अरे सस्ता नहीं है, बहुत महंगा गिफ्ट है भाई। हाँ देखिए, आप सोना चांदी कपड़े दुकान से खरीद सकते हैं। हाँ। लेकिन ये कहाँ से खरीदेंगे? अरे उसने गिफ्ट नहीं मांगा है, सजा दी है आपको। अरे नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मैं यूं यूं लिख दूंगा देखना। एंड यू नो, शादी से पहले मैं शायरी भी लिखता था। शादी से पहले ना कुछ कुछ होता है और शादी के बाद कुछ नहीं होता है। शादी से पहले एक दूजे के लिए और शादी के बाद सिर्फ बीवी के लिए। शादी से पहले दिल तो पागल है और शादी के बाद दिल तो पागल था। शादी से पहले बीवी होती है चंद्रमुखी और शादी के बाद ज्वालामुखी। अरे भाई आप डिप्रेशन क्यों दे रहे हैं मुझे? ऐसा कुछ नहीं है, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बहुत खुश हैं हम दोनों। आप इंसान नहीं हैं। मतलब गाय है? गाय। वाह। आपको घास मिले या रोटी या दोनों में से कुछ ना मिले, आपका काम तो सिर्फ दूध देना है, दूध। हम चलते हैं, शाम को मिलते हैं। ये तारीफ करके गए हैं या? How I can give milk? अरे साढ़ू साहब मैं छोड़ देता हूँ।